हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट फर्स्ट में डाइजेशन क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल या गट किसे कहते हैं, जीआई ट्रैक्ट क्या होता है, उसके ऑर्गन्स कितने होते हैं, इन सभी को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डाइजेशन की प्रोसेस को देखने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था हमारे बॉडी द्वारा 5 मेन एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिसमें से पहला था इंजेशन। फूड को अपने माउथ में लेना ही इंजेशन कहलाता है। दूसरे नंबर पे आता है प्रोपल्शन। फूड का आगे बढ़ना, ऑइसोफेगस में जाना ही क्या कहलाता है, प्रोपल्शन। तीसरे नंबर पे आता था डाइजेशन। फूड का छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होना ही डाइजेशन कहलाता है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। फूड के ब्रेक डाउन के बाद न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब होना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। अनडाइजेस्टेड वेस्ट का हमारे एनस के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाना ही एसिमिलेशन कहलाता है। हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, बट उनमें से कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। सो चलिए हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल। ओके, देखिए ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, देखिए हमारा सबसे पहला डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है माउथ। ये देखिए लिखा है माउथ एंड नोज टंग, लिखा है माउथ नोज एंड टंग। माउथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स विच इज़ कंट्रीब्यूट्स इन डाइजेशन। माउथ हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि हमारे फूड का पार्सली डाइजेशन करता है। उसके बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ऑइसोफेगस कहते हैं। ये ऑइसोफेगस कनेक्ट होता है एक जे टाइप स्ट्रक्चर से जिसे हम स्टमक कहते हैं। ये देखिए स्टमक कुछ इस प्रकार से होता है। स्टमक कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। देखिए एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इससे कनेक्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है एक स्ट्रक्चर से जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर होती है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला भाग एनस कहलाता है जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। ओके, तो हमने देखा यहाँ पर डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये सभी ऑर्गन्स प्राइमरी ऑर्गन्स है जिसमें एक्चुअल में डाइजेशन होता है। कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये देखिए लीवर। उसके बाद होता है गाल ब्लैडर, छोटा सा थैलेनुमा होता है इसको गाल ब्लैडर कहते हैं। इसमें से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। उसके बाद होता है स्टमक के पीछे एक स्ट्रक्चर होता है, देखिए इस प्रकार से पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, सो अब हम फाइनली देखते हैं डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले हम फूड को मुख में डालते हैं तो हमारा माउथ उसे च्यूइंग करने लगता है जिससे फूड का मैकेनिकली ब्रेकडाउन हो जाता है। हमारे मुख में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। नंबर वन पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, थर्ड सब लिंगुअल ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवरी एमाइलेज का सिक्रेशन करती हैं जो कि फूड में मिक्स हो जाती हैं और फूड को बॉलस का रूप दे देती हैं। सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज या माल्टोज में चेंज कर देती हैं। जो हम फूड खाते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, उनको सलाइवरी एमाइलेज सिंपल पार्टिकल्स में तोड़ देता है जिसे हम माल्टोज या ग्लूकोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर हम राइस को ज़्यादा देर तक च्यूइंग करते हैं तो कुछ मीठा मीठा फील होता है। उसके बाद फूड आता है एक लंबी सी ट्यूब में जिसे हम एसोफेगस कहते हैं। फेरिंग से गुजरते हुए एसोफेगस में आता है। एसोफेगस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है जिसे हम पैरास्टाइलिस मोमेंट कहते हैं। पैरास्टाइलिस मोमेंट के कारण ही फूड आगे बढ़ पाता है। पैरास्टाइलिस मोमेंट स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सभी में होता रहता है जिससे फूड आगे बढ़ पाता है। फूड इसोफेगस से निकल के स्टमक में आता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस और HCl एसिड होता है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। फूड में आए हुए बैक्टीरिया को वो मारता है। गैस्ट्रिक जूस फूड का डाइजेशन करते हैं। स्टमक में पेप्सिन और रेनिन दो मेनली एंजाइम पाए जाते हैं जो कि फूड का डाइजेशन करते हैं। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है जबकि रेनिन
मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है, मिल्क प्रोटीन केसिन होता है वो उसका पाचन करता है। फूड निकल के उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड 6 से 7 घंटे तक रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के आने के बाद लीवर से सीक्रेट होता है बाइल जूस, जो कि गाल ब्लैडर में, ये देखिए छोटा सा स्ट्रक्चर है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। गाल ब्लैडर से आता है बाइल जूस और यहाँ पर पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद फूड का अच्छे से डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली 5 एंजाइम्स पाए जाते हैं, सुक्रेज, माल्टेज, हिरेप्सिन, लाइपेज, लैक्टेज। इन एंजाइम के नेम्स लर्न करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, स्मेल। एस से आप याद रखिएगा सुक्रेज, एम से याद रखिएगा माल्टेज, ई से याद रखिएगा इरेप्सिन, एल से याद रखिएगा लैक्टेज और एक एल से याद रखिएगा आप लाइपेज। जो सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज होता है वो शुगर का डाइजेशन करते हैं। इरेप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है और लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करता है। ओके, उसके बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, जिससे ब्लड सभी टिश्यूज और सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो हमारे एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और इस प्रकार डाइजेशन की प्रोसेस होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।